सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर वी ट्रेड क्रिप्टो चैनल। सो गाइज, चैनल को सब्सक्राइब करके साइड वाले बेल आइकन को भी दबा देना। और हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है, अगर आपने चेकआउट नहीं करा है तो आप चेकआउट भी कर सकते हो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। या हम डेली बेसिस पे आपको सिग्नल्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। डेली बेसिस पे यहाँ चार्ट एनालिसिस होता है, मंथली एनालिसिस होता है और वीकली एनालिसिस होता है, और यहाँ पर सीधा हम पोस्ट करते हैं चार्ट्स को। तो आप टेलीग्राम चैनल को भी चेकआउट कर सकते हो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। सो वेलकम बैक टू आवर वी ट्रेड क्रिप्टो चैनल। सो गाइज, बेसिकली आज की वीडियो में हम अच्छी खासी एक न्यूज़ कवर अप करने वाले हैं। बेसिकली इस वीडियो के अंदर दो न्यूज़ होने वाली है और ये एक अर्जेंट अपडेट होने वाला है, ठीक है, हमारी तरफ से। तो बेसिकली यार, दोनों जो ये अच्छी खासी न्यूज़ है ना, ये बेसिकली मार्केट को अच्छा खासा इम्पैक्ट डाल सकती है आने वाले नेक्स्ट बुल रन के अंदर, और आने वाले कुछ दिन के अंदर भी एक अच्छा खासा आपको ये प्रॉफिट बना के दे सकती है। सो गाइज, जो ये सारी न्यूज़ है, मैं हम अब धीरे धीरे इसको कवर अप करते हैं, ठीक है। तो गाइज, सबसे पहले जो न्यूज़ है वो सोलाना के रिलेटेड निकल के आती है। तो इसमें बेसिकली बताया है कि जो सोलाना है वो अपने टॉप 10 डिजिटल एसेट्स के अंदर वापस से री एंटर कर रहे हैं, और इसके अंदर बेसिकली उन्होंने 135% की इम्प्रेसिव रैली दिखा के वापस से ये अपने टॉप 10 डिजिटल एसेट्स के अंदर बेसिकली वापस एंटर कर रहा है, ठीक है। तो थोड़ा इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं इस न्यूज़ का। तो यार, आपको पता है जो FTX का कोलैप्स हुआ था नवंबर में, तो सोलाना का जो प्राइस था उसके लिए ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ था। और इसके रिलेशन में जो सैम बैंकमैन फ्रीड थे, उन्होंने कहा था कि ये पॉजिटिव सेंटिमेंट रहेगा और ये वापस से एक रिटर्न करेगा एज ए डिजिटल एसेट्स के अंदर। तो बेसिकली इसने 135% का वापस से गेन दिखा के हमें एक बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ क्रिप्टो करेंसी इन 2023 भी दिखा दिया इसने, ठीक है। तो इसमें बेसिकली बताया गया है कि जो सोलाना है वो री एंटर कर गया अपने टॉप 10 एसेट्स के अंदर, ठीक है। तो थोड़ा इनडेप्थली और पढ़ते हैं इसके बारे में। तो इन्होंने बताया कि इसके अंदर हमें एक मैसिव परफॉर्मेंस देखने को मिली है लास्ट 2 वीक्स के अंदर, और ये बेसिकली डबल हो गया है, ठीक है, 23.34 प्रेस टाइम से रिलेटेड। और इसमें बेसिकली बताया गया कि ये एक इम्प्रेसिव रन हो सकता है आने वाले, जब ये टॉप 10 डिजिटल एसेट्स में वापस से आ गया है, ठीक है, बाय। तो ये बेसिकली इन्होंने बताया कि ये मार्केट कैपिटलाइजेशन के थ्रू पता लगा है, और जो कॉइन मार्केट कैप का डेटा है वो सोलाना मार्केट अकॉर्डिंग टू कॉइन मार्केट कैप डेटा, इन्होंने सोलाना मार्केट कैपिटलाइजेशन को बताया कि ये 9 बिलियन से भी ऊपर जा चुका था, ठीक है, 9 बिलियन से भी ऊपर जा चुका है, वो भी सिर्फ 1 हफ्ते के अंदर अंदर, जहाँ की पहले इनकी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन थी वो अराउंड 5 बिलियंस के करीब थी, एंड अराउंड यार अब 9 बिलियंस की हो गई है, ठीक है। तो बेसिकली थोड़ा और हम इसका इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं और जानते हैं। तो इसमें बेसिकली बताया गया जो इसके को फाउंडर है गेमिंग प्रोजेक्ट ऑफ सोलाना के मांबा, उन्होंने कहा था कि जो इसका नेटवर्क है बहुत अच्छा खासा है, और उसी वजह से यार हमें रीपेड में सोलाना की गेंस देखने के लिए मिली है 165% 15 दिन के अंदर अंदर। तो इन्होंने कहा है जो SBF है वो बेसिकली लीव तो करने वाली है इसको गुड ब्लॉकचेन को, और हमें इसकी नेटवर्क टेक्नोलॉजी में आगे इसको इम्प्रूव देखने को मिलेगा। तो सोलाना के एक्टिव वॉलेट्स भी राइज हुए हैं, ठीक है, जितने हम कहते हैं ना जहाँ पे बेसिकली हम अपनी क्रिप्टो करेंसी होल्ड करते हैं, तो वहाँ पर भी सोलाना के जो एक्टिव वॉलेट्स हैं वो भी 3 गुना हो गए हैं, ठीक है। तो बेसिकली इसमें बताया कि जो सोलाना के एक्टिव वॉलेट थे वो 3 टाइम्स हो गए हैं जब से FTX कोलैप्स हुआ था नवंबर के अंदर। तो ये मिस्री डाटा के करीब डेली बेसिकली डेल्फी डिजिटल डेटा ये शो करता है कि जो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस है सोलाना DEX का, वहाँ पे 83% इंक्रीज हमें देखने को मिली है इसकी टोटल एक्टिव वॉलेट सिंस द बिगनिंग ऑफ 2023, जो कि यार एक अच्छी खासी पॉजिटिव न्यूज़ है। इन्होंने बताया कि जो टोटल नंबर ऑफ एक्टिव वॉलेट्स है वो सोलाना को के अराउंड 83,000 के करीब बेसिकली ऑलमोस्ट 4-5,000 पर डे इंक्रीज होते जा रहे हैं। तो यार ये तो एक अच्छी खासी पॉजिटिव न्यूज़ है सोलाना के रिलेटेड। सो गाइस, जो यार हमारी सेकंड न्यूज़ निकल के आती है वो निकल के आती है पॉलीगन के रिलेटेड। तो पॉलीगन यार आपको पता है पॉलीगन भी प्रूफ ऑफ स्टेक्स पे एंटर कर रहा है, ठीक है, पहले ये प्रूफ ऑफ वर्क पे था लेकिन ये भी प्रूफ ऑफ स्टेक पे एंटर कर रहा है। इसके अंदर बेसिकली आपको पता है यार प्रूफ ऑफ स्टेक्स में आपको बेसिकली परफॉर्मेंस इम्प्रूव मिलती है, ट्रांजेक्शन फीस लो होती है, बेसिकली इसमें लिखा है रिड्यूस गैस स्पाइक्स, और बेसिकली इसमें ट्रांजेक्शन रेट भी कम हो जाता है, ठीक है। तो बेसिकली अब थोड़ा इन डेप्थ एनालिसिस कर लेते हैं पॉलीगन मैटिक का। यार ये दोनों सोलाना और पॉलीगन मैटिक के लिए एक अच्छी खासी पॉजिटिव न्यूज़ है, ठीक है। तो बेसिकली इसको पढ़ते हैं, तो इसमें हमें बताया कि जो इथेरियम की स्केलिंग है जो पहले हुई थी जब इथेरियम बेसिकली प्रूफ ऑफ वर्क से
प्रूफ ऑफ स्टेक में हमें देखने को मिला था। तो इसी में बेसिकली जो पॉलीगन है वे वापस से ये भी अब प्लान कर रहा है कि ये भी हार्ड फॉर्क के जरिए अपनी जो बेसिकली प्रूफ ऑफ स्टेक की ब्लॉकचेन है, और बेसिकली जो प्रूफ ऑफ स्टेक की ब्लॉकचेन है वो January 17, 2023 तक कर ले, ठीक है। तो ये अकॉर्डिंग टू उन्होंने अपने ट्वीट बताया था, जो January 12 को इन्होंने ट्वीट करा था। तो इन्होंने बताया था कि बेसिकली जो हार्ड फॉर्क है, ये एक जो प्रपोज्ड हार्ड फॉर्क है, इसके अंदर हमें गुड न्यूज़ देखने को मिल सकती है डेवलपर की तरफ से, और हमें कह सकते हैं कि ये एक बेटर यूजर एक्सपीरियंस होगा। और बेसिकली अगर हम देखें तो हार्ड फॉर्क जो है ना, बेसिकली आने वाले टाइम फ्रेम पे अपग्रेडेशन में तो अच्छा खासा है, और इसके नेटवर्क परफॉर्मेंस में भी हमें एक अच्छी खासी बेसिकली डिक्रीजमेंट देखनी पड़ेगी एज अ ट्रांजेक्शन स्पीड, जो कि ऑक्रेंस करती है गैस स्पाइक्स और एलिमिनेट रिवर्स को, ठीक है। तो बेसिकली इसमें यही बताया गया है, और थोड़ा इन डेप्थ एनालिसिस कर लेते हैं इस न्यूज़ का। तो इसमें बताया गया है जो पॉलीगन हार्ड फॉर्क है, इसके अंदर हमें इसके गैस स्पाइक्स के रिलेटेड तो हमें देखने को मिला है अंतर, ठीक है, जो कि पॉलीगन की जो बेसिकली प्रूफ ऑफ स्टेक चेन है, इसके अंदर हमें बिगेस्ट इथेरियम लेयर भी देखने को मिलेगी। क्योंकि यार आपको पता है जो इथेरियम के डेवलपर्स हैं वो बेसिकली चाहते हैं कि उनकी जो बेसिकली ट्रांजेक्शन है वो फास्टर होए और गैस फीस भी लो हो, और सिक्योरिटी की बात करी जाए तो सिक्योरिटी भी टाइट हो जैसे इथेरियम नेटवर्क की है, ऐसा यही हमारे बेसिकली पॉलीगन मैटिक के डेवलपर्स चाह रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा और हम पढ़ लेते हैं इसके बारे में। तो पॉलीगन एक्सपीरियंस कर रहा है अभी हाई नेटवर्क ऑफ डिमांड के साथ साथ टाइम के साथ साथ, जिसमें हमें रिजल्ट दिख सकता है इसकी एक्सपोनेंशियल इंक्रीजमेंट का, जो कि यार गैस फीस का बेसिकली हम कह सकते हैं बेसिकली पॉलीगन की गैस फीस में हमें बेसिकली थोड़ा हायर अपग्रेडेशन देखने को मिल सकता है। और इसमें हायर गैस फीस अगर एक्सपेक्टेड होगी तो हमें फिर बेसिकली जो इसके नेटवर्क की एक्टिविटी है वो हमें बेसिकली कह सकते हैं हम इंक्रीज देखने को मिलेगी, जो कि गैस स्पाइक्स हम कह सकते हैं कि ज़्यादा ट्रांजेक्शन स्पीड में हमारा एक भी एक क्रिप्टो दूसरे क्रिप्टो वॉलेट में ट्रांजेक्ट हो रहा है, ठीक है, ट्रांजेक्शन हो रही है। तो ब्लॉकचेन ऑपरेशन पे ये बेसिकली काम करा जाएगा, और हार्ड फॉर्क में बताया कि जितना जल्दी हो सके ये रिजोल्व करा जाएगा जो भी चेन रिलेटेड इश्यूज है इनकी ट्रांजेक्शन स्पीड में। ओके, तो ये थोड़ा सा चार्ट वगैरह देख लो आप मैटिक का कि कैसे अभी कहाँ प्राइस रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। तो बेसिकली आज के वीडियो में, आने वाले टाइम के वीडियो में, आज के दिन ही मैं मार्केट अपडेट एनालिसिस भी प्रपोज करूँगा आपके लिए, ठीक है, डालूंगा, अपलोड करूँगा। तो बस वीडियो में इतना ही। ओके, गुड बाय। तो यार चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, और टेलीग्राम चैनल को चेकआउट कर देना, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन।